नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सबसे विवादित चेहरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सामने आकर बुधवार को जवाब दिया। अनिल मसीह ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अपने ऊपर लगे इल्जामों को नकारा। उन्होंने कहा कि चुनाव हुआ बिल्कुल निष्पक्ष है और मेरे ऊपर लगे सभी इल्जाम बेबुनियाद है। वही बैलेट पेपर पर लगाए गए टिक मार्क को लेकर अनिल मसीह ने कहा कि ये मामला अब हाई कोर्ट में है और जो भी गलत पाया गया है मैं उसका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्तव्य के दौरान अनिल मसीह ने खास बातचीत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बैलेट पेपर की कैप्चरिंग करने तक की भी कोशिश उन चुनावों के दौरान की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद हार के सवाल पर अनिल मसीह ने कहा कि ये उन लोगों की अपनी गलती से हुआ है। अनिल मसीह ने विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों नहीं बैठे, क्यों इसका बॉयकॉट किया। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मेयर का नए सिरे से चुनाव कराने की आम आदमी पार्टी और अर्जी पर बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का अब वक्त भी मांग लिया है। बता दें तमाम दर्शकों को कि बीजेपी ने मंगलवार को आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को हराते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सभी 3 शीर्ष पद जीत लिए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप बीजेपी पर खुले तौर पर लगाया और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप पार्षद और मेयर प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम, प्रदेश प्रशासन और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।